हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय बाताजी टू एवरीवन। कृतांश्रुतिक सोए हुए है और राकेश आज जल्दी उठ गए, उनको कुछ काम था। तो कुछ शेरवानी में काम पेंडिंग है तो वही कर रहे हैं। खाली बेच बेच से राकेश हाँ बेच बेच से तीजू अच्छा नीचे सुचानी नीचे पची ब्रिजेस और ये छोटे बच्चे की पगड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत ही पसंद आ गई। પ્રકૃતિક નો છે ને બેટા, અને છે ત્યાં ગૌ મારવી પડશે આમ ખાડો, એટલે બરાબર થશે, સમજો? આ તારી નો છે ને ખરાબ છે, એટલે સમજો મારી નો ખરાબ છે, તારી બરાબર છે। પ્રકૃતિક નો બરાબર નથી ફરતો, ઉછળી ઉછળી ને ફરે છે। और ये घर की बुरी हालत क्या की है, ये पेपर फाड़ के। हाँ अरे, लेकिन इस तरह से पेपर फाड़ते हैं क्या? कृतिक चलो क्लीन करने में हेल्प करो। अरे मारा को एक आलू पड़े मुझे, मुझे चाव नहीं नाकी तुम्हारे पास कर तो रहे हमारा नहाना धोना भी हो गया है, कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए वॉश करने के लिए, क्योंकि आज मैंने सब पीलो कवर निकाले हैं, तो आई थिंक टोटल 10 कवर निकाले हैं मैंने धोने के लिए, तो मैंने मशीन चालू किया था आज। और कपड़े भी देख रहे हैं आप, पूरा स्ट्रेक करके मैंने रखा हुआ है, मुझे फोल्ड करने हैं। ये कल के कपड़े हैं जो कल नहीं सूखे थे, इसके लिए मैंने आज निकाले हैं। और कृतांश्रुतिक ने घर जो है पूरा गंदा कर दिया था, तो अभी मुझे उसको ठीक से अरेंज करना है। मैंने सब्जी बना ली है, रोटी का आटा गूंथ लिया है, अभी ये सब ठीक करके फिर कृतांश्रुतिक को मैं खाना के लिए बैठा देती हूँ। उछाला
तो मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ वेज मंचूरियन बनाने की। तो वैसे तो मेरे पास वेजिटेबल्स कम है, गोभी कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि दूसरे भी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँ। तो मैं यहाँ पे कैबेज को कट कर रही हूँ, मतलब चॉपर में मैं ऐड कर रही हूँ और बारीक चॉप कर लूँगी। उसी में कैबेज को मैंने चॉप कर लिया है एकदम बारीक। अभी मैं इसमें स्प्रिंग ऑनियन है उसे भी चॉप कर लूँगी। ये चॉपर जो है मेरा काफ़ी पुराना है, अभी तो नए प्रेस्टीज के और पिजन के चॉपर निकले हैं जिसमें थ्रेड टाइप का जॉइंट रहता है, उसे खींचने से फटाफट चॉप हो जाता है। वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कंपेयर टू जो मेरा वाला है उससे। कैरेट को भी मैंने पील करके वॉश कर लिया है, उसे मैं ग्रेट कर लूँगी। वो मेरे चॉपर में नहीं होगा फाइनली चॉप, तो मैं उसे ग्रेट कर रही हूँ। इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, मेरे पास कैप्सिकम नहीं है और क्रूटॉन्स कैप्सिकम खाता भी नहीं है, तो मैं ऐड नहीं करूँगी। स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट जो है उसे मैं कट कर लूँगी। थोड़ा जब मैं मंचूरियन फ्राई करूँगी तब के लिए रखूँगी और बाकी के मैं जो कोफ्ते बनाऊँगी मंचूरियन उसके लिए रखूँगी। अभी मैं सॉल्ट ऐड करूँगी ताकि जो पानी है वेजिटेबल्स का वो रिलीज़ हो जाए और मैं उसे निकाल दूँ। अदरवाइज़ मैं पानी नहीं निकालूँगी तो अंदर मैदा जो है वो बाइंडिंग के लिए काफ़ी मुझे ऐड करना पड़ेगा और कोफ्ता जो है वो हम जो मंचूरियन बनाएंगे तो उसमें आटे का ही टेस्ट ज़्यादा आएगा, वेजिटेबल्स का टेस्ट नहीं आएगा। तो जो भी वेजिटेबल्स मैंने रेडी किए थे उसको कवर करके मैंने रख दिया है ताकि पानी जो इसका है निकल जाए, तब तक मैं मेरा दूसरा काम निपटाऊंगी। तो जो अभी मैंने कपड़े वॉश किए थे आफ्टर में मैं जितने सुखाए जो जितने सूख गए हैं वो मैंने निकाल लिए है और उसे फोल्ड कर रही हूँ। और कवर भी जो है पीलो के वो सूख गए हैं जितने, उसको मैं कवर लगा लूँगी। और साथ ही मैं न्यूज़ देख रही हूँ और मैं सभी को बोलूँगी कि न्यूज़ जो है वो देखना ही चाहिए। इस तरह निचोड़ के सारे वेजिटेबल्स में से जो पानी रिलीज़ हुआ है उसे हम निकाल लेंगे। और ये पानी अगर आप चाहे तो एज अ वेजिटेबल स्टॉक अंदर यूज़ कर सकते हैं कोफ्ता की ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैं कैमरा स्टार्ट करना भूल गई थी। वेजिटेबल्स में मैंने मैदा, नमक और कॉर्नफ्लावर है जो ऐड किया हुआ है। अब मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली और जिंजर की पेस्ट, गार्लिक की पेस्ट भी आप डाल सकते हैं बट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ इसमें। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। मैदा और कॉर्नफ्लावर इतना ही ऐड कीजिए कि सब्जी में ही आटा गूंथ जाए, आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी मैं गोल गोल पकोड़े टाइप वड़ा टाइप बना के बाजू में साइड में प्लेट पे रख रही हूँ ताकि ऑयल जैसे गर्म ही हो जाए मैं एक साथ फटाफट फ्राई कर लूँ। अभी ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो हम एक एक करके जो मंचूरियन बनाए हैं उसे हम फ्राई करेंगे और हमें इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इसमें हमने मैदा ऐड किया हुआ है तो वो कच्चा ना लगे इसके लिए, अदरवाइज़ कैरेट कैबेज और वो सब तो थोड़ा क्रंची टेस्ट रहेगा तो भी अच्छा लगेगा। अभी मंचूरियन जो है वो फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं उसे निकाल दूँगी और दूसरे बैच को भी फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और मैंने अभी बनाई थी गार्लिक और रेड चिली की पेस्ट, तो उसी में मैं बना रही हूँ कॉर्नफ्लावर स्लरी जो मैं ऐड करूँगी। तो मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने आधा चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और उसे मिक्स कर लिया है। अभी मैं अंदर फ्राइंग पैन में ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट। अंदर ऐड करूँगी अभी मैंने बनाई हुई पेस्ट जो गार्लिक और रेड चिली पाउडर से बनाई थी, वो पेस्ट ऐड करके फ्राई करूँगी। तब मैं अंदर ऐड करूँगी डार्क सोया सॉस, विनेगर ऐड करेंगे, अभी जो कॉर्नफ्लावर सॉल्यूशन बनाया था उसे ऐड करेंगे और अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ा पानी ऐड करेंगे, टमेटो केचप ऐड करेंगे। जैसे ही बॉईल आ जाता है हमने बनाए हुए मंचूरियन जो फ्राई किए हुए थे उसे ऐड कर देंगे। तो बस अभी मैं कृतांश कृति के लिए प्लेट सर्व कर रही हूँ।
उन्हें कब से खाने हैं मंचूरियन, कब से वेट कर रहे हैं। मुझे इनको होमवर्क करवाना है, लेकिन नीचे नहीं उतर रहे, नीचे नहीं उतर रहे, नीचे नहीं उतर रहे। उतर, स्टडी कराओ। क्या सारा दिन वो टॉप लेके आए ना, वो ही खेलते रहते। हाँ एक मिनट में चश्मा निकाल लेती हूँ, लाइट्स आती है इसमें। मेरा भाई, हम लोग गए थे ना अभी संडे को, तो वहाँ पे सब बच्चे खेल रहे थे, तो कृतांश श्रुतिक वहाँ पे देख रहे, तो मेरा भाई नीचे था तो लेके दिया। इसके पहले बहुत ही छोटे थे ना, तभी उन्होंने टीवी में देखा था टॉप को, तो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, और बोल रहे थे कि मामा को बोलो लेके दे, मामा को बोलो लेके दे टॉप। पता नहीं उस टाइम क्या हुआ, तो भाई को फोन, मैंने बोला ठीक है, मैं दीपक मामा को, मेरे भाई का नाम दीपक है, मैं तो दीपक मामा को फोन करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि तुम दोनों के लिए टॉप ले ले। तो वो बोले, वो मामा नहीं दूसरे मामा, अभी मेरा तो एक ही भाई है, फिर दो मेरे कजिन, एक बुआ के लड़के को और एक चाचा के लड़के को बोला था मैंने फोन करके, उनसे बात करवाई कि उनको टॉप चाहिए, इसके लिए रो रहे हैं, तो तुम लोग टॉप लेके उनको लिए भेजना। अभी वो लोगों को टॉप मतलब क्या वो पता नहीं चल रहा था, मतलब हमें गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं भमरडो और इंग्लिश में बोलते हैं टॉप, तो उनको पता है, वो बोले क्या चाहिए टॉप मतलब क्या, मतलब बोला कि वो भमरडो बोलते ना वो चाहिए, तो क्या ठीक है हम भिजवाएंगे। मतलब उस टाइम उस तरह बहुत रोए थे, जीत कर रहे थे कि नहीं मामा को बोलो दे, लेकिन दीपक मामा नहीं दूसरे मामा को। तो अभी कोइंसिडेंस देखो कैसा हुआ कि हम लोग वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और ये लोग थे नीचे देख रहे थे, तो मेरे भाई ने फिर लेके दिया। सारा दिन यही खेलते रहते हैं, कांच पे भी कभी वो लग जाता है, ग्लास पे, यहाँ पे टीवी पे भी लग जाता है, और मुझे भी एक दो बार लगा इनका टॉप, तो डर लगता है कि कहीं पे लग ना जाए। मुझे तो ये घुमाना नहीं आता है, ये लोग बोलते हैं मम्मी सिखाओ, बट मैं तो घुमाने जाती हूँ तो बाई चांस कभी सीधा घूमता है, तो कभी उल्टा भी घूमता है, कभी नहीं भी घूमता है, इस तरह से होता है। काफी लोग ऐसे हाथ में भी लेते हैं घुमाने के बाद, फिर रस्सी घुमा के ऐसे ऊपर पर उठा के रस्सी, तो वो रस्सी में भी घूमता है, जिनको आता है ना वो कर सकते हैं। और मुझे एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था कि ग्रीन चटनी आप जो स्टोर करते हैं वो कितने दिन तक आप रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो फ्रिज जो है वो डबल डोर होना चाहिए, सिंगल डोर में हम कुछ भी फ्रोजन मतलब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर पाते हैं। सेकेंड चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो रेगुलर होना चाहिए, पावर कटिंग नहीं होना चाहिए, तो ये दो चीज़ मेन है, तो ही आप फ्रोजन कर पाएंगे कुछ भी चीज़, चटनी बोलो या कोई वेजिटेबल्स फ्रूट्स कुछ भी बोलो। मैं बहुत सारी चीज़ें फ्रोजन करती हूँ, अब तक आपने मेरे वीडियोस जो देखे होंगे उसमें आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ गया होगा, और कुछ तो चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं है, वो चीज़ भी मैं फ्रोजन करती हूँ, वो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं करूँगी वो मैं आपको बताते जाऊँगी। ग्रीन चटनी अप्रोक्स 3-4 महीने तक तो अच्छी रहती ही है। मेरे यहाँ पे हम लोग नेबर जो है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी है, वो लोग भी बना के रखते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अगर चाहिए तो रोज़ पीसने में पॉसिबल नहीं होता है, तो बना के रख देते हैं। और ये मैं जो बना के रखती हूँ चटनी, वो सैंडविच एंड चाट में, चाट आइटम में जो बनाती हूँ, सेव पूरी, भेल पूरी, या उसमें मेरे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। चटनी में बना के रखती हूँ ना, सच में बहुत ही यूज़फुल आती है मुझे। बच्चे लोग कभी भी कुछ भी डिमांड करते हैं ना, फटाफट से कुछ भी बन जाता है। और बाहर के जो रेडी टू फ्राई जो आते हैं प्रोडक्ट्स, फ्राइज है, फिर बर्गर टिक्कीज है, स्माइली वाले फेस है, वो सब है ना फ्रोजन तो रहते ही है, प्लस उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड किया जाता है। आप कभी भी जाएंगे मॉल में या डीमार्ट में कहीं पे भी शॉपिंग के लिए, तो आप पैक उठाइए और देखिए पीछे कि जिनको जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसमें वो लोग ने क्लियरली मेंशन किया रहता है कि अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं। एटलीस्ट हम घर पे जो बनाते हैं उसमें हम प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं, फ्रोजन रहता है। और मैंने एक बार समोसा भी फ्रोजन करके ट्राई किया था, और सच में बोलूँ मॉस्किटो उठ रहा है, सॉरी,
और सच में बोलूँ तो बहुत ही अच्छा बना था। मैंने जब बनाया था उसके 1 वीक बाद मैंने फ्राई किया, मैंने फ्रोजन किया था और अच्छा मुझे रिजल्ट लगा उसका। तो मैं इसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ फ्रोजन चीज़ों के ऊपर। फिलहाल तो मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है क्योंकि मुझे उस तरह से सामने रिस्पॉन्स नहीं मिला है सब्सक्राइबर्स का फ्रोजन चीज़ों के लिए, तो फिर मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन मैं फ्रोज़न चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और अच्छा भी रिजल्ट मिलता है। कभी कुछ गलती ऐसे हो जाती है तो नेक्स्ट बैच में जब मैं बनाती हूँ तभी मैं करेक्शन अंदर कर लेती हूँ। तो अभी मैं कृतांश कृतिक को मैं स्टडी करवाऊँगी। कृतांश उसको स्टडी नहीं करनी है, हमेशा आँ चालू रहता है, सुबह से खेल रहे हैं। अभी मैं बोल रही हूँ स्टडी कर लो, थोड़ा खाना भी उनका हो गया राकेश का और मेरा, बाकी मैंने आज नहीं खाया क्योंकि मैंने जब फ्राई किया और ये सब किया तभी मुझे थोड़ा ये हो गया। मैंने सोचा बाद में खाऊंगी, अभी राकेश आएंगे तो राकेश के लिए मुझे बनाना है, इनके लिए मैंने बनाया था। तो मैं अभी ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, अभी इनको स्टडी करवाऊंगी। पहले मैं देखूंगी मैंने कुछ देखा है, बैग ही ओपन नहीं की है कि क्या स्कूल में करवाया है। डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं बुक बैग खोलूँगी, क्या करवाया है नहीं करवाया, लोगों ने क्या स्कूल में किया है वो सब चेक करूँगी एंड होमवर्क जो रहेगा वो करवाऊँगी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, होपफुली आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन आता है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती हो। तो बाय बाय फ्रेंड्स।